नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। हर साल 26 जनवरी यानी भारत के गणतंत्र दिवस समारोह पर पूरी दुनिया की नजरें रहती हैं और बड़े ही धूमधाम से गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जाता है। अब हो भी क्यों ना, आखिर इस दिन हमारा संविधान जो लागू हुआ था। तो चलिए इसी के साथ हम जानते हैं क्या है गणतंत्र दिवस और क्या है इस दिवस की खासियत। छब्बीस जनवरी को हर साल हमारे देश में एक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू हुआ। फिर इसी उपलक्ष में हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे। ये केवल एक पर्व नहीं बल्कि हमारा गौरव और सम्मान का मानक है। हर साल 26 जनवरी के पर्व को बड़े ही खास तौर पर मनाया जाता है। तरह तरह के आयोजन किए जाते हैं। बता दें कि इस दिन देश में राष्ट्र अवकाश भी रहता है। पहली बार देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्र ध्वज को फहराकर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था। इस मौके पर उन्होंने देश के नागरिकों को विशेष संदेश में कहा था कि हमें आज के दिन शांतिपूर्ण एक ऐसे सपने को साकार करने के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए। जिसने हमारे राष्ट्रपिता और स्वतंत्रता संग्राम के कई नेताओं और सैनिकों को अपने देश में एक वर्गहीन, सहकारी, मुक्त और प्रशंसन चित्र समाज की स्थापना के सपने को साकार करने की प्रेरणा मिली। हमें इस दिन यह याद रखना चाहिए कि आज का दिवस आनंद मनाने की तुलना में समर्पण का दिन है। श्रमिकों, कामगारों, परिश्रमियों और विचारकों को पूरी तरह से स्वतंत्र, खुश और सांस्कृतिक बनाने के भव्य कार्य के प्रति समर्पण करने का दिन है। गणतंत्र दिवस का हर दिन भारतीयों के लिए बेहद खास होता है। इसे हर भारतीय बेहद उत्साह व उमंग के साथ मनाता है। यूं तो आप सालों से गणतंत्र दिवस को मनाते आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी इसके बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसके बारे में अधिकतम लोग अनजान हैं। तो चलिए इस गणतंत्र दिवस पर हम आपको इन्हीं कुछ रोचक बातों से रूबरू करवाते हैं। हम आपको बता दें कि भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे के रूप में मनाया जाता था। दरअसल इस दिन ही भारत ने निश्चय किया था कि वह पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है और वह किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाला है। चूंकि
क्योंकि भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त के दिन मिली थी, लेकिन भारत के लीडर चाहते थे कि इतिहास में भी इस खास दिन को याद रखा जाए। इसलिए इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। हालांकि देश में पहला गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता प्राप्ति के 3 साल बाद 26 जनवरी सन 1950 को मनाया गया था। देश के पहले गणतंत्र दिवस में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो प्रथम को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। गणतंत्र दिवस से जुड़ी एक और खास बात हम आपको बताते हैं। जी हाँ, आमतौर पर लोगों के लिए गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन भले ही 26 जनवरी को समाप्त हो जाता हो, लेकिन आधिकारिक रूप से इसका समापन 3 दिन बाद 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह द्वारा होता है। इसका आयोजन विजय चौक पर भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना द्वारा किया जाता है। तथा इस दौरान एक ईसाई गीत अबाइड विद मी अवश्य प्ले किया जाता है। माना जाता है कि यह महात्मा गांधी के पसंदीदा गीतों में से एक है। साथ ही बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और 26 जनवरी को ही 10:18 पर इसे लागू किया गया था। वही भारतीय संविधान का निर्माण होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। हमारे संविधान को एक दिन में पढ़ पाना लगभग असंभव है। इसमें कुल 448 आर्टिकल हैं। साथ ही इसे हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी हाथों से ही लिखा गया है तथा इसकी हैंड रिटन ओरिजिनल कॉपी पर 26 जनवरी 1950 को असेंबली के करीबन 308 सदस्यों ने दस्तखत भी किए थे। 26 जनवरी की महत्ता को बरकरार रखने के लिए ही इस दिन हमारे देश में संविधान प्रभावी हुआ। और यहाँ तो हम सभी जानते हैं कि भारत के राष्ट्रगान जनगण मन को पहले रवींद्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में लिखा था। 26 जनवरी के दिन ध्वज फहराने के बाद राष्ट्रगान अवश्य गाया जाता है, लेकिन इसका पहला हिंदी अनुवाद 1911 में आबिद अली द्वारा किया गया था। तथा 24 जनवरी 1950 को इसे आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। हम आपको ये भी बता दें कि साल 1965 में गणतंत्र दिवस के ही दिन हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में चुना गया। गणतंत्र दिवस से जुड़ी हुई वैसे तो हम बहुत बातें जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि गणतंत्र दिवस मनाने की घोषणा किसने की थी? तो हम आपको बता दें कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था। इसके बाद से हर साल इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
और इस दिन देश भर में राष्ट्र अवकाश रहता है। साथ ही आपको ये जानकर बड़ा गर्व होगा कि पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड साल 1955 में दिल्ली के राजपथ पर आयोजित की गई थी। इस दिन देश के राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं और उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसके साथ ही इस दिन परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र और अशोक चक्र जैसे तमाम पुरस्कार दिए जाते हैं। साथ ही 26 जनवरी को सबसे पहले ध्वजारोहण किया जाता है। 26 जनवरी को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में हमारे देश के राष्ट्रपति ही झंडा फहराते हैं और इस अवसर पर 1957 में सरकार ने बच्चों के लिए राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार शुरू किया, जो कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अलग अलग क्षेत्र में बहादुरी के लिए गणतंत्र दिवस पर दिया जाता है। तो अभी आपने जाना गणतंत्र दिवस से जुड़ी कुछ रोचक बातें। ऐसे ही और अनसुनी और रोचक कहानियों को आप तक पहुंचाएंगे हम। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।